कार्ड, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? आपके एचएसएससी के बाहर बच्चे बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, एडमिट कार्ड आप रात को 11 11 12 12 बजे जारी कर रहे हैं, नेक्स्ट डे उनका पेपर है, वो बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं आपको, बार बार न्याय के लिए बोल रहे हैं। अभी भी यदि मीडिया वहां पहुंचेगा तो बिस्तर लेके लड़कियां महिलाएं वहां पे बैठे हैं अपने अभिभावकों के साथ, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानबूझकर रात को रिजल्ट निकाला, सैटरडे संडे बच्चे कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब ज्यादा अंक हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं हमारे दादा से, तो उनकी बस ऑब्जेक्शन ले रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तो जल्दबाजी क्यों है? चुनावी स्टंट है, 5 साल पहले आपने भर्ती करवाई थी ग्रुप डी की चुनाव के समय, अब करवा रहे हैं चुनाव के समय, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? चुनाव इंपॉर्टेंट है जी। थैंक यू। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर आए और वो विषय है हरियाणा के युवाओं से ग्रुप डी की भर्ती के विश्वासघात का। वो विषय है पूरी ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया जो दोषपूर्ण है और एक षड्यंत्र के तहत भाजपा जजपा की सरकार एक बार फिर लाखों युवाओं को कोर्ट की दर दर ठोकरे खाने को मजबूर करने वाली है। वो विषय है हरियाणा के युवाओं से छल फरेब धोखा जो भाजपा जजपा का डीएनए बन गया है। आपके दर्शकों और पाठकों को याद होगा कि हरियाणा में पिछली बार ग्रुप डी की भर्ती साल 2018 में जींद उपचुनाव से 5 दिन पहले की गई थी ताकि जींद उपचुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव प्रभावित किया जा सके। 18,000 बच्चों को ग्रुप डी में उस समय 2018 के अंदर भर्ती किया, आखिर में नौकरी कितने को मिली? 6 से 7 हजार। 18 के 18 हजार को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हवाला देकर, उसके बाद बायोमेट्रिक्स का हवाला देकर, उसके बाद उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट गलत होने का हवाला देकर, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क गलत होने का हवाला देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 4,000 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनमें कैथल जिले के, जींद जिले के बहुत बच्चे मुझे मिले। जैसे एक ब्राह्मण समाज की हमारी बिटिया जिसने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी वो मिली, उसको कुक लगा दिया और कहा कि तुमको कपड़े भी धोने हैं पूरे पुलिस के लोगों के। तो मेरे पास आई और उसने कहा भैया मैं डबल इंजीनियर हूं, टॉपर हूं, मैं कपड़े धोने के लिए थोड़ी नौकरी लगी। पर आखिर में 4,000 ऐसे बच्चे नौकरी छोड़कर चले गए, पर खट्टर सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया हरियाणा के नौजवानों को भटकाकर। साथियों जो आज गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी आपके सामने लेकर आए हैं वो उससे भी बड़ा खुलासा जो अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं। 18 के बाद 5 साल तक खट्टर सरकार कुमकर्णी नींद सोई रही, कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई। अब फिर चुनाव आया लोकसभा का, तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले शकुनी की चौपड़ फिर फैला दी गई है। 13 और 14 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है वो संभावित है और उसके 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर ये हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे सितंबर 2024 में। तो 7 मार्च 2024 को यानी 2 दिन पहले रात के 12:20 पर खट्टर साहब ने और उनके हरियाणा सर्विस सेल काउंटर एचएसएससी ने रात को 12:20 पर रिजल्ट निकाल दिया ग्रुप डी की 10,997 भर्तियों का। टोटल पोस्ट थी 13,536, 3,000 तो यही खा गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला, पर 10,997 का निकाला, तो 2,536 तो पहले ही कम कर दी। ग्रुप डी का ये रिजल्ट, सुशील गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी इल्जाम लगाते हैं ये त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। एक बार फिर आनंद फानंद में सब 10,997 बच्चों को रात रात में ज्वाइन करवाया जा रहा है ताकि फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाए। ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ना ऑफलाइन कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक्स हुए, ना सर्टिफिकेट्स की जांच हुई, ना यस नो की ऑप्शन दी, सीधे ज्वाइन करवा रहे ताकि फिर अपनी छाती पीट लेंगे, छाती ठोक लेंगे, पीट थपथपा लेंगे कि हमने इतने बच्चों को भर्ती किया, बाद में उनमें से 10,997 में से पता चलेगा 7,000 को नौकरी नहीं मिली, बाद में वो निकल गए। ये इसी प्रकार से पर्दा डाल रहे हैं और इसको लेकर हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। 8 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य, भाजपा जजपा सरकार व एचएसएससी ने 2 तरह का रिजल्ट निकाल दिया। आप कहेंगे वो कैसे हो सकता है सर, दो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं एक ही पोस्ट के? एक है जिसको बोलते हैं सीईटी स्कोर और एक है सीईटी मार्क्स। आपको मालूम है अक्टूबर 2023 में सीईटी का पेपर हुआ जिसके आधार पर ग्रुप डी की भर्ती हुई, वो 95 नंबर का पेपर था, वो है सीईटी मार्क्स। सीईटी स्कोर है उसमें 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऐड कर दिए, मैं एक कागज आपको भेज रहा हूं पर दिखाना चाहूंगा। सीईटी मार्क्स, सीईटी स्कोर, मैं आपसे पूछता हूं, आप बड़े सजग पत्रकार हैं, आपके दर्शकों और पाठकों से पूछता हूं, मेरा रिजल्ट ये वाला है कि ये वाला है? ब्रह्मांड में खट्टर साहब की पहली सरकार है जो एक पोस्ट के लिए 2 अलग अलग किस्म के नंबरों का रिजल्ट निकाल रहे हैं। बच्चा कहां जाए, कैसे मालूम चलेगा उसका रिजल्ट कौन सा है असली वाला? दूसरी बात, 5 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के डाल के रिजल्ट निकाला है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने की बात ये हाई कोर्ट के इस आदेश से स्टे कर दी गई कि आप सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं दे सकते। मैं उसकी 4 ऑपरेटिंग लाइन पढ़ देता हूं ऑर्डर की।
Therefore, the clause in the impugned advertisement dealing with socio-economic criteria and experience and providing 20 marks to Haryana domicile applicants or on the basis of descent contained in para 13 so and so is suspended until further order. तो भैया आप कोर्ट ने स्टे कर रखे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर, आप वो नंबर देकर रिजल्ट निकाल रहे हो, मैं ज्वाइन कर लूं उसके बाद ये अपहोल्ड हो जाए फिर मैं ये क्या करूंगा, इतने बच्चों की शादी हो जाएगी फिर 4 साल बाद 2 साल बाद 1 साल बाद आप उन्हें नौकरी से निकाल देना, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे बच्चों को कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर स्टे कर रखे हैं कोर्ट ने, तो फिर दे कैसे रहे हो अगर स्टे कर रखे हैं। तीसरी हेराफेरी जो कर रहे हैं खट्टर साहब, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक तौर से वादा किया था कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले निकालेंगे, ग्रुप डी का रिजल्ट बाद में निकालेंगे। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए सर कि ग्रुप सी में भी बच्चे ने अप्लाई किया, ग्रुप डी में भी बच्चे ने अप्लाई किया, क्योंकि ये छोटी पोस्टें हैं, तो मुझे लगता है यार ये मिल जाए या ये मिल जाए। ग्रुप सी का अगर आप पहले निकालते तो जो बच्चे ग्रुप सी में भर्ती हो गए वो ग्रुप डी से अपने आप बाहर हो जाते क्योंकि उसे तो ग्रुप सी की नौकरी मिल गई। अब आपने ग्रुप डी का पहले निकाल दिया, इन 10,997 बच्चों में से 4,000 बच्चे ग्रुप सी में भी सिलेक्ट हो गए, तो ये तो ग्रुप डी से सी में चले जाएंगे, तो 4,000 पोस्ट फिर खाली रहेगी। 5 साल में तो आपने ये भरी है, उनमें भी आप 2356 पोस्ट खा गए, 13,536 पोस्टें थी। अब आपने ग्रुप सी का डी का पहले निकाल दिया, मैं आपके अखबारों में छपी थी सब में, ये लो ये कटर साहब ने का वादा था, मेरे पास उसका टेप भी है, सरपंच साहब आओ बैठो जी, जरा बैठो, तो इसका टेप भी है अपने पास, ये उन्होंने वादा किया था, मैं आपको भेज रहा। तो अब खट्टर साहब अपने वादे से मुकर क्यों रहे हैं, उनके वादे की जबान की कोई कीमत है या नहीं? अगली बात, ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर दे रहे हैं, ये परिवार पहचान पत्र में लिखी आय के आधार पर दे रहे हैं डेटा जो है, आपको ये मालूम है, हमने साबित कर दिया था कि परिवार पहचान पत्र का डेटा गलत है या फ्रॉडुलेंट है। तो ये नंबर आप अभ्यर्थी हैं, आपको मिल गए, बाद में आपका आय का डेटा गलत मिला, फिर आपको नौकरी से निकालोगे, ये क्या कर रहे हैं आप? गलत डेटा के आधार पर नंबर देके बच्चे को भर्ती कर रहे हैं, फिर बाद में उसे नौकरी से निकालोगे, पोस्ट पे खाली धरनी आपने ही नहीं 5-5 साल। अगली बात, ये ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था अक्टूबर 2023 में, ये पेपर लीक हो गया था, और इस पेपर को लेके जो नहीं बता रहे खट्टर साहब और पूरी बीजेपी जेजेपी दुष्यंत चौटाला, इस पे एफआईआर दर्ज है, ये सबसे सनसनीखेज खुलासा है, किसी के ऊपर ये चोरी करके बेचने का इल्जाम हो, एफआईआर दर्ज हो, तो आप खरीदोगे तो आप नहीं फंसोगे उसे, आप भी फंस जाओगे। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो मैं आपको भेज रहा हूं, दिल्ली पुलिस में एफआईआर नंबर 807/21-10-2023 को पुलिस स्टेशन रणहोला में दर्ज है। अगर पेपर लीक हो गया, और मैं अकेला मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के समाचार पत्रों ने भी कई खबरें छापी, जो शर्मा जी ने प्रिंट ही नहीं लिया जिनका, पर मैं आपको भेज देता हूं, फिर भी भेज रहा हूं आपको, कई इसकी खबरें छपी हैं, मैं आपको भेज रहा हूं वो खबरें। अगर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक उसकी जांच चल रही है, कल को उसमें वो सच मिला, उसके आधार पर आप भर्ती कर रहे हो, तो बेचारे 10,997 बच्चे फिर गए नौकरी से, 2 साल बाद 3 साल बाद आएगा, इतने उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खत्म उनकी जिंदगी, फिर वो कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे, कर क्या रहे हो खट्टर साहब आप? एक और कमाल की बात है, अक्टूबर 2023 में जब पेपर हुआ, आपको याद है हम बार बार उठाते हैं, ये गलत सवाल या गलत जवाब दे देते हैं, ये पूछो ये माइक जो है ये कैथल सिटी का है, जवाब लिख देंगे पंजाब केसरी का, तो जवाब गलत है, तो बच्चे ऑब्जेक्शन देते हैं, 100 रुपया हर सवाल के साथ एतराज के साथ जमा कराना पड़ता है, उसके बाद ये फाइनल आंसर की जारी करते हैं, पहले एक आंसर की जारी की जिसमें लिख दिया ये माइक पंजाब केसरी का, सबको दिखता है माइक कैथल सिटी का है, पंजाब केसरी का नहीं है, ये पीटीआई का है, लिख दिया ये तो न्यूज 24 का, तो गलत है, तो बच्चे ने एतराज किया कि ये आपने गलत लिख दिया जवाब, तो इन्हें फाइनल आंसर की जारी करनी है, कितने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए, कितने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हुए, और फाइनल जवाब ये हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि उसने ये इतने सवाल उसके सही थे, इतने उसके नंबर आए, इस बार फाइनल आंसर की जारी नहीं की। अब कोई बच्चा आप आज नहीं जारी की, वो उन सवालों को लेकर कोर्ट तो जाएगा, अगर आपने मेरे को ये कह के नंबर काट दिए कि ये माइक आज तक का है पर है पंजाब केसरी का, तो मैं जाऊंगा ना कोर्ट, जब जाऊंगा तो रिजल्ट फिर खारिज हो जाएगा या रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा, तब फिर बच्चे फिर हट जाएंगे, तो आप उन्हें क्यों गदीगेट में डाल रहे हो, क्यों चक्रों में डाल रहे हो, क्यों उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, क्यों उन बच्चों को चक्रों के अंदर घुमा रहे हो, क्या उन बच्चों के मां बाप की उनकी जिंदगी, 10 लाख बच्चा है ये, उनकी जिंदगी का कुछ मतलब है या नहीं? ये पहली बार नहीं हुआ, क्लर्क के पेपरों में इन्होंने ऐसा ही किया, आंसर की फाइनल जारी नहीं की। मैं एक उदाहरण भी देता हूं आपको, क्लर्क के पोस्ट में आंसर की जारी नहीं हुई, बाद में वो बच्चे चले गए कोर्ट, कोर्ट ने कहा रिवाइज रिजल्ट जारी करो, रिवाइज रिजल्ट जारी किया तो उसमें से फिर बच्चे हट गए, जो रिजल्ट बदल गया फिर बच्चे हट गए, अब वो बच्चे घूम रहे हैं कोर्ट में,
तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जानबूझकर ग्रुप डी के 10 लाख बच्चे जो हट जो लगे नहीं वो कोर्ट में है, जो लग गए वो भी कोर्ट में, ना नौकरी वाले को नौकरी मिल रही ना ना वाले को नौकरी मिल रही। और एक आखिरी बात और है इसके अंदर जो हम आपको बताना चाहते हैं, हजारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, शायद 70 की कट ऑफ है अगर मुझे सही याद है, 81 अलग अलग जगह अलग अलग है, उनके उससे नंबर ज्यादा है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आपने रात को 12:20 पे लिस्ट जारी कर दी, अगले दिन छुट्टी है, कोई कोर्ट ना जा सके, उन्हें ज्वाइन करवा लिया। भाई जाएं तो गए, वो कोई खाली तो नहीं बैठेगा, जब आप गुप्ता जी के 70 नंबर है, मेरे 80 है, इसके 90 है, तो 90 वाला जाएगा ना कोर्ट में। तो फिर आप कहोगे ये तो अपोजिशन का गैंग है, 90 वाले को छोड़ोगे 70 वाले को भर्ती करोगे, ये वो बच्चे कहां जाएंगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं खट्टर साहब? तो आपकी पूरी ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो डिफेक्टिव है। और आखिरी वो ये जो मैंने शुरू में कहा था, ना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ना बायोमेट्रिक्स मैच किए, कितने बच्चे हटे बाद में क्योंकि उनका अंगूठा नहीं मिलता था, यानी किसी का पेपर कोई दे गया और इनकी जांच तो होनी पड़ेगी, ना 5 नंबर का क्लेम छोड़ना है, किसी ने गलत ले लिया वो लेना है, किसी को नहीं मिला उसको लेना है, ना उसका कोई समय आपने दिया है। तो आपने अब ज्वाइनिंग करवा ली, तो 2018 वाला हाल इस ग्रुप डी की भर्ती के साथ भी होगा। ग्रुप डी की ये भर्ती जो की है 5 साल बाद हुई है, ये पल है, ये छल है, फरेब है, धोखा है, विश्वासघात है हरियाणा के युवाओं से। और खट्टर साहब को आगे आके इस बात का जवाब देना चाहिए कि वह हरियाणा के युवाओं से एन चुनाव के मौके पर ये विश्वासघात करके वाहवाही लूटने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं माननीय सुशील गुप्ता जी, जिनका मैं स्वागत भी करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। माननीय चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी ने जो आपको बताया कि किस तरीके से हरियाणा के बच्चों के भविष्य के साथ ये खट्टर और दुष्यंत सरकार खिलवाड़ कर रही है, रिजल्ट घोषित किया 12:20 पे 7 बार, रात के अंधेरे में क्या चोरी करनी थी, ऐसा रात के अंधेरे में क्यों रिजल्ट जारी किया? आपने पोस्ट निकाली थी करीब 13,536, आपने रिजल्ट घोषणा किया 10,997 का। पहले आपने बात कही थी कि ग्रुप सी का पहले निकालेंगे, अब आप ग्रुप डी का निकाल रहे हो। ग्रुप डी से जो बच्चों की दोबारा सिलेक्शन होगी, ग्रुप सी में बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, फिर ये पोस्ट वेकेंट हो जाएंगे, अपना वायदा करके आप वो कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल के रातों रात बिना वेरिफिकेशन का ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ऐसी क्या चोरी थी? अगर समय रहता आप प्रॉपर वेरिफिकेशन कराते ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। एक बार जब बच्चे की नौकरी लग जाती है, घर वाले अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, उसके बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी शादी हो जाती है, नौकरी टूट जाती है, फिर वो शादी के अंदर भी कटे हुए पड़ते हैं, घर के अंदर कटे हुए पड़ते हैं, परिवार के अंदर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, नशे का सहारा लेता है। ये सिस्टम लगातार हरियाणा के अंदर चला रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं और खट्टर साहब से फिर ये कहता हूं, आप बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। सवाल ये है कि 10 लाख बच्चे अकेले ग्रुप डी के पेपर में बैठे, उनकी जिंदगी की का जो जिस प्रकार से हनन हो रहा, उसका जवाब कब देंगे? उन बच्चों की जिंदगियों को लूटने का जवाब तो भाजपा जजपा को देना पड़ेगा, और नहीं तो वोट की चोट प्रजातंत्र में आदरणीय मित्र सबसे बड़ी है। हमें की टेक्निकल मिस्टेक की जा रही है? नहीं नहीं, ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं है आदरणीय मित्र, ये राजनीतिक बेईमानी है जो भाजपा जजपा की सरकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्हें चुनाव में युवाओं की वोट चाहिए, जींद उपचुनाव में चाहिए थी तो तब निकाल दिया, फिर 5 साल सो गए, फिर 5 साल बाद अब लोकसभा विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले फिर निकाल दिया। 5 साल क्या कर रहे थे आप? तो आप 5 दिन बचे, अब बच्चे घूमते रहे कोर्ट में, इतने चुनाव निकल जाएगा उसके बाद फिर हटा देंगे, ये तो तमाशा बना लिया। हमें यह विश्वास है हरियाणा और हिंदुस्तान के लोग बहुत बहादुर और बुद्धिमान, वो इनके इनके झांसों में नहीं आने वाले। हम भोले हो सकते हैं, हम विश्वास कर लें ये सच हो सकता है आदमी की जबान पर हम बार बार आप जो है काट की हांडी को नहीं चढ़ा।